वीडियो में सेट्स के बारे में, सबसेट के बारे में और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में आपको बताया हुआ था। क्योंकि हमें समझना है रिलेशन, और रिलेशन को समझने के लिए सेट, सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझना आवश्यक था, इसलिए हमने पिछले वीडियो में तीनों के बारे में बताया था। और आज के वीडियो में हम आपको सेट्स रिलेशन के डिफिनीशन के बारे में बताएंगे। लिखा हुआ है डिफिनीशन ऑफ रिलेशन, लेट ए एंड बी, ए एंड बी आर टू नॉन इंपिटी सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू नॉन इंपिटी सेट्स, देन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। क्योंकि पिछले क्लास में आपको ए क्रॉस बी के बारे में बताया गया, और चूंकि आज आपको रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, तो रिलेशन ए और बी जो दो सेट दिया हुआ है, दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन करते हैं। ए और बी है, ए क्रॉस बी निकालें, क्योंकि ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए क्रॉस बी भी एक सेट होगा, जो कि आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है। ए क्रॉस बी एक सेट होगा, और इस सेट जितने सबसेट होंगे उसी को रिलेशन कहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे ए एलिमेंट है फोर और फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, देन ए क्रॉस बी वन टू थ्री इंटू फोर फाइव, दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पिछले क्लास में दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया जा चुका है। वन लेंगे फोर से करें, वन फोर वन फाइव टू फोर टू फाइव थ्री फोर और थ्री फाइव। ए सेट है, बी सेट है, दोनों का ए क्रॉस बी निकाले, तो ए सेट बन। अब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी,
इक्वल टू ए वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, टू पर पावर सिक्स मतलब बत्तीस सिक्सटी फोर, मतलब ये जो ए क्रॉस बी होगा इसके 64 सबसेट होंगे। ए क्रॉस बी के सबसेट्स की संख्या कितनी होगी? 64। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 60। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज जनरली डिनोटेड बाय आर। रिलेशन को रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जनरली डिनोटेड बाय इफ देयर आर मेनी रिलेशंस then it is denoted by R1, comma R2, comma R3. Let A equal to 1, 2, 3, 4. Then R equal to 1, 3, 1, 4, 2, 3 is a relation or not? एक रिलेशन का सवाल लिखा हुआ है, एक सेट्स दिए हुए हैं ए इक्वल टू 1, 2 एंड बी इक्वल टू 3, 4, देन आर इक्वल टू 1, 3, 1, 4, 2, 3 इज ए रिलेशन ये दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि ये रिलेशन गलत नहीं है, तो इसके लिए दोनों स्टेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, ए क्रॉस बी। जब भी रिलेशन देखना हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, 3, 4, 1, 3, 1, 4 2, 3,
21, 4, 2, 3, 2, 4 A क्रॉस B। अब R इक्वल टू वन थ्री वन फोर टू थ्री ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं और ये आर भी दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि ये जो आर है ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट के बारे में आपको बताया जा चुका है कि यदि इस आर पर सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में होगा तो R A क्रॉस B का सबसेट होगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि 1 3 R में है, 1 3 A क्रॉस B में भी है, 1 4 R में है, 1 4 A क्रॉस B में भी है, 2 3 R में है, 2 3 A क्रॉस B में भी है। तो इस R के सभी एलिमेंट्स A क्रॉस B में है, मतलब R A क्रॉस B का सबसेट होगा। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देन R इज रिलेशन, देन R इज अभी तक आपको बताया गया था कि दो सेट दिया हुआ है ए और बी। यदि एक ही सेट पे रिलेशन डिफाइन हो तो उस रिलेशन को बाइनरी रिलेशन बोलते हैं या फिर सिंपली उसे रिलेशन बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन या रिलेशन लेट ए बी द गिवन सेट्स सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। पिछले डिफिनेशन में पढ़ाए थे कि ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, मतलब ए और बी दो अलग अलग सेट था, तो ए क्रॉस बी के सबसेट को रिलेशन बोलते थे। लेकिन यदि एक ही सेट हो तो ए क्रॉस ए के सबसेट को रिलेशन बोलते, ए क्रॉस ए के सबसेट को रिलेशन बोलते, कॉल्ड रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए। A इक्वल टू 1 2 3 देयरफॉर A क्रॉस A इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1
टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री आर इक्वल टू वन 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 टू वन। तो आपसे पूछा जाए ये जो होगा वो डिलेशन होगा कि नहीं, तो ये जो आर है आर के बारे में पूछा जा रहा है, ये सेट दिया हुआ है ए वन टू थ्री, और आपसे पूछेगा कि ये जो आर है वो रिलेशन होगा कि नहीं। तो सबसे पहले यदि दोनों सेट अलग अलग होगा ए क्रॉस बी निकालेंगे, दोनों सेट एक ही होगा ए क्रॉस ए निकालेंगे, और उसके बाद देखना है कि जो आर है इस आर का सारे एलिमेंट्स यदि ए क्रॉस बी होगा तो ए क्रॉस बी में देखेंगे, यदि ए क्रॉस ए होगा तो ए क्रॉस ए में देखेंगे। यदि इस आर का सारा एलिमेंट ए क्रॉस ए में होगा तो आर रिलेशन होगा, और यदि इस आर का सारा एलिमेंट ए क्रॉस ए में नहीं होगा तो आर रिलेशन नहीं होगा। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू डी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू डी इक्वल टू 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 दी पावर एन ए गुने एन एन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। दोनों सेट अलग अलग होगा, नंबर ऑफ रिलेशन मतलब रिलेशन की संख्या कितनी होगी, तो टू पर पावर एन ए गुने एन बी, जहाँ पर एन ए क्या है तो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में कितना एलिमेंट है, इसमें कितने सदस्य हैं, और एन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, मतलब ये जो दो सेट दिया हुआ है सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं उसी की संख्या। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए टू पर पावर एन ए गुने एन, यदि दोनों सेट एक ही होगा एक ही सेट होगा एन ए गुने एन, दोनों सेट अलग अलग होगा एन ए गुने एन।
a equal to 1 to 3 and b equal to 4 5 then total number of relation is equal to number of relation from a to b equal to 2 per power n a gune n b 2 per power 3 equal to 2 per power 6 Number of relations on A is equal to Gracias.